हेलो एवरी वन हाउ आर यू ऑल डूइंग मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आज हम करने वाले हैं क्लास इलेवंथ बायोलॉजी का चैप्टर नंबर नाइनटीन दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन एंड गाइज दिस इज पार्ट नंबर टू ऑफ दिस चैप्टर अगेन आई एम सेंग इस चैप्टर को एन सी ई आर टी से ही कर रहे हैं ओके सो दिस इज पार्ट टू ओके okay. तो so, सबसे पहले हमने पार्ट वन में क्या करा था वो मैं आपको बता देती हूँ हमने ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ लिया था ठीक है हमने बेसिक इंट्रोडक्शन को अच्छे से याद करा था है ना हमने अमोनोटैलिक यूरियोटैलिक सभी चीज़ों को अच्छे से समझा था कि ये क्या होते हैं इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं जो कि मुझे उम्मीद है कि आप रिवाइज करके आए होंगे ये वाला लेक्चर अटेंड करने के लिए और जिस बच्चे ने रिवाइज़ नहीं किया सो आप जाकर पहले रिवाइज़ करिए फिर ही लेक्चर सुनिए ताकि आपको साथ साथ पूरा चैप्टर याद होता रहे ओके सो so, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एक बारी पिछली क्लास का भी जल्दी से सभी कुछ रिवाइज करेंगे बट नॉट फ्रॉम एन हमारे कुछ अपने पॉइंट्स होंगे जिन जिनको हम समझेंगे वो so आप एन में ऐड भी कर सकते हो ठीक है दे आर लाइक एक्स्ट्रा पॉइंट्स ठीक है सो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आ, मुझे जल्दी से बता दो कि किडनी की जो फंक्शनल बेसिक यूनिट थी जो मैंने आपको कल बताई थी ठीक है वो क्या है दैट इज़ नेफर राइट तो सबसे पहले मैं यही बता देती हूँ कि स्टडी ऑफ नेफरॉन को क्या कहा जाता है स्टडी ऑफ़ नेफरन इज़ रिफर्ड एज़ वाट क्या आप में से किसी को पता है अगर पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो अगर नहीं पता तो आई एम टेलिंग यू हीयर दिस इज़ नेफ्रॉलॉजी ठीक है नेफ्रोलॉजी सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लॉजी वर्ड का मतलब क्या है जैसे मैं कभी भी आपको ये वर्ड बताती हूँ ना जैसे किसी भी चीज़ की अगर हमें पढ़ाई करनी है सो दैट इज़ रिफर्ड एज लॉजी ठीक है जैसे मैंने बताया था किंगडम फंजाई की स्टडी अगर हम कर रहे हैं सो दैट इज़ टर्म्ड एज माइकोलॉजी ठीक है माइको so क्यों कहा क्योंकि वो किंगडम माइकोटा के नाम से भी जाना चाहता है एंड लॉजी इज स्टडी ऑफ इसी तरीके से नेफ्रो इज़ अ नेफरॉन एंड लॉजी इज़ स्टडी ऑफ नेफ्रॉन नेफ्रोलॉजी ठीक है सो so, आपका होमवर्क क्या है स्टडी ऑफ़ नेफ्रोन तो मैंने आपको बता दिया आपका होमवर्क है टू फाइंड आउट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे ओके टू फाइंड आउट और हाँ स्टडी ऑफ़ मैंने अगर लिखा है तो फिर इतना तो समझ जाना कि लॉजी ज़रूर आएगा तो स्टडी ऑफ यूरिनरी सिस्टम क्या होती है क्या कहते हैं हम स्टडी ऑफ़ यूरिनरी सिस्टम को तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो और जिस जिस को नहीं पता वो भी बता दो ताकि मैं आपको आंसर दे सकूं ठीक है ओके okay. एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ कि जो ऑसमोलेरिटी होती है ना ह्यूमन्स की ओसमोलैरिटी ऑफ ह्यूमन के ब्लड प्लाज्मा की ठीक है ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा पता है कितनी होती है अराउंड थ्री हंड्रेड मिली ऑस्मो पर लीटर ठीक है थ्री हंड्रेड मिली ओसमो पर लीटर दिस इज द ऑफ ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा ठीक है इतना क्लियर हो गया अब देखो जो देखो ये जो ऑस्मोलैरिटी ये वाले टर्म्स में बता रही हूँ लास्ट लेक्चर से भी हो गया एक तरह से ओवरव्यू और आज के लेक्चर में भी बहुत काम आने वाली हैं ये चीज़ें ठीक है so, सो जो फ्रेश वाटर प्रोटोजुव होते हैं ओके okay, सो so जो कुछ फ्रेश वाटर प्रोटोजुव होते हैं उनके पास क्या होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्योअस प्रेजेंट होते हैं उनकी ऑसमोरेग्यूलेशन के लिए ठीक है सो नेफ्रोलॉजी स्टडी ऑफ यूरिनरी सिस्टम ऑस्मोलैरिटी ऑफ ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा कितनी होती है ऑस्मोलैरिटी थ्री हंड्रेड मिली ऑस्मो पर लीटर एंड फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स के पास क्या होता है कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ऑस्मो रेगुलेशन के लिए तो ऑस्मोलैरिटी ऑस्मो रेगुलेशन ये कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए ठीक है ना वो टॉकिंग अबाउट वाटर का और सॉल्यूट का बैलेंस ठीक है वाटर का और सॉल्यूट का बैलेंस इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ये चीज़ जाननी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है वाटर और सॉल्यूट का बैलेंस और वो भी किसके अंदर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए बताया था कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को कंजर्वेशन ऑफ वाटर करना एक बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है उनके अंदर कंजर्वेशन ऑफ वाटर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है और कुछ ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे होते हैं जैसे अगर मैं बात करूँ कंगारू रेड्स की ठीक है अगर मैं बात करूँ कैंगारू रेड्स की सो दे कैन लिव इवन विदाउट ड्रिंकिंग वाटर ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दे कैन लिव इवन विदाउट ड्रिंकिंग वाटर और कब तक कब तक का टाइम है ये थ्रू आउट lifetime, लाइफ टाइम पूरे लाइफ टाइम के लिए ठीक है so, सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है so, सो अब एक ये कॉन्सेप्ट आता है कि ऐसा हो कैसे सकता है ये पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि उनका जो किडनीज है ना उनकी जो किडनीज है उनका जो यूरिनरी सिस्टम है वो बहुत ही एफिशिएंट है वो बहुत ही कॉन्सनट्रेट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं एंड वो इतना कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कैसे कर पाते हैं क्योंकि उनका जो लूप ऑफ हेल्ले होता है दैट इज़ वेरी लॉन्ग सो दे हैव लॉन्ग हैंलेज लूप और अगर मैं उनके फूड की बात करूँ ना सो so, उनका फूड क्या है ड्राई सीड्स ठीक है ये उनका फूड है और उनकी बॉडी पे अगर मैं स्वेट ग्लैंड्स की बात करूँ सो स्वेट ऑन देयर बॉडी दे आर वेरी वेरी फ्यू ठीक है क्या है बहुत ही कम है दे आर वेरी फ्यू एंड एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि उनके जो ब्रीथिंग रेट है वो भी उनका बहुत कम होता है ब्रीथिंग रेट इज़ लो ओके सो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कंगारू रेट के बारे में ठीक है so, सो ये सब आप नोट कर सकते हो कि कैसे वो विदाउट ड्रिंकिंग वाटर रह लेते हैं अपनी पूरी लाइफ टाइम में ठीक है दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ओके नाउ अब अगर मैं कैमल्स की बात करूँ यहाँ बेसिकली हम उन ऑर्गेनिजम्स की कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स की उनकी बात कर रहे हैं जो कि डेजर्ट्स में रहते हैं जिनके पास वाटर अवेलेबिलिटी कम है है ना तो फिर कैमल का तो हमें पता ही है कि वो वाटर डिप्राइवेशन के साथ भी बहुत लंबे टाइम तक रह सकते हैं है ना लेकिन वो वाटर को अपनी बॉडी के ह्यूमन जो होता है वहाँ पर पाउचेस के फॉर्म में स्टोर नहीं कर पाते प्लस अगर मैं बात करूँ उनकी एक्सक्रीशन हैबिट्स की ठीक है उनकी अगर एक्सक्रीशन हैबिट्स की अगर मैं बात करूँ सो दे प्रोड्यूस ड्राई पीसेस ठीक है दे प्रोड्यूस ड्राई फीसेज एंड वही वाला इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये बहुत ही कॉन्सनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं दे प्रोड्यूस वेरी कॉन्सनट्रेट यूरिन यानी कि कॉन्सनट्रेटेड का मतलब क्या है कि वो अमाउंट ऑफ वाटर बहुत ही कम हो जाते है यूरिन में वो मैक्सिमम वाटर जितना हो सकता है उतना वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और तो और जब वाटर प्रेजेंट नहीं है ना व्हेन वाटर इज नॉट अवेलेबल टू कैमल्स है ना देन व्हाट हैपन वो अपने यूरिन और फीसेज यानी कि वो उस टाइम पे एक्सक्रीट करते ही नहीं है दे इवन डोंट प्रोड्यूस यूरिन ठीक है कंसनट्रेटेड तो छोड़ो वो प्रोड्यूस ही नहीं करते ठीक है सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और अगर बात करें कि भाई बहुत टाइम हो गया कैमल्स को वाटर नहीं मिला फिर वो अगर बाद में मान लो बाद में पानी मिल गया तो फिर वो एक बार में ना 135 लीटर लीटर्स ऑफ वाटर पी सकते हैं 10 से 13 मिनट में कितना वाटर कहा मैंने 135 एंड लीटर्स इज़ अराउंड एंड अराउंड 30 गैलन्स ऑफ वाटर इतना पानी वो पी के अपने आप को रिहाइड्रेट कर लेते हैं और कितने टाइम में पीते हैं ना सिर्फ और सिर्फ दस से तेरह मिनट में पी लेते हैं इतना पानी है ना दस से तेरह मिनट में इससे वो आराम से रिहाइड्रेट हो जाते हैं ठीक है सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि हमने समझ लिए अब हम चलते हैं कुछ टॉक्सिसिटी सीक्वेंस पे जो कि मैंने आपको कल अच्छे से बताया था लेकिन फिर भी एक बार देख लो टॉक्सिसिटी सीक्वेंस अमोनिया का तो सबसे ज्यादा होता ही है ठीक है ओके okay. ये मैंने आपको कल भी बहुत अच्छे से बताया था कि अमोनिया इज़ द मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट देन यूरिया एंड लास्ट वन इज़ यूरिक एसिड जो कि लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म है नाइट्रोजनस वेस्ट की ठीक है यूरिया की अगर मैं बात करूँ तो ये मैंने आपको कल भी बताया था कि यूरिया एक वेस्ट प्रोडक्ट तो है ही इट इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट लेकिन ये मैमल्स भी अपनी बॉडी में पूरी तरीके से ये रिलीज आउट नहीं करते हैं पार्शियली रिलीज़ करते हैं क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस ऑस्मो रेगुलेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका इट इज़ ऑस्मो रेगुलेटरी क्लियर हो गए सभी को ये पॉइंट्स ठीक है ओके okay. नाउ हमारा जो ब्लड है ना उसमें जो नॉर्मल यूरिया की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल यूरिया कंटेंट जो है दैट इज़ अराउंड सेवन टू ट्वेंटी एम जी पर डी एल ठीक है दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और ये भी मैंने आपको बताया था कि यूरियोटेलिज़म क्या है यूरियोटेलिज़म इज़ आ टेरेस्ट्रियल एडाप्टशन ठीक है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं लास्ट क्लास के आपके साथ समराइज़ कर रही हूँ ठीक है अमोनिया का भी मैंने आपको बताया था कि भाई अमोनिया का आ, एलिमिनेशन में कोई ए ज़रूरत नहीं है ए खर्च करने की क्योंकि अब उनको हमें कोई दोबारा ऑन साइकिल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है ना अमोनिया जो प्रोड्यूस हुआ डायरेक्टली उसी फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करना है ऑर्गेनिजम्स को जो, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है और कैसे करते हैं अपनी जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू कर देते हैं और फिशेज में मैंने आपको बताया था गिल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन से है ना और कैसे करते हैं अमोनियम सॉल्ट की फॉर्म में और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था कि इनके रिमूवल में किडनीज का कुछ खास रोल नहीं होता ठीक है ओके okay, और यूरिक एसिड का पॉइंट रह गया यूरिक एसिड का भी लिख लो जस्ट सेकेंड ओके यूरिक एसिड क्या है इट इज़ थाउजेंड्स ऑफ टाइम इट इज़ थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स लेस सोल्यूबल इन वाटर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि ये हजारों गुना कम सोल्यूबल है वाटर में एज कम्पेयर टू अमोनिया एज कम्पेयर टू अमोनिया और यूरिया ठीक है यूरिक एसिड ओके सो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे अब हम चलते हैं ऑर्थन साइकिल पर ठीक है और निथिन साइकिल पे चलो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ फिशेज के केस में क्या होता है फिश में ना हम ऐसा याद नहीं रख सकते कि फिशेज सभी अमोनिया रिलीज करती हैं या फिर यूरिया रिलीज़ करती है या फिर क्या फिशेज का मैं आपको बता देती हूँ तीन टाइप की बेसिकली अगर हम क्लासीफिकेशन करें तो फर्स्ट हम लिखेंगे कार्टिलेजनियस फिश कार्टिलेजनियस फिश एंड नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेश वॉटर बोनीफिशिस ठीक है एंड द लास्ट वन इज मरीन बोनी फिशेस अब इन तीनों टाइप की जो मैंने डिवीजन करी है ना वो बेसिकली इसे लेखी है क्योंकि इनकी हैबिट ऑफ एलिमिनेशन क्या एलिमिनेट कर रहे हैं वो अलग अलग है जैसे कार्टिलेजिनियस फिशेज़ यूरिया के फॉर्म में नाइट्रोजिनियस वेस्ट एक्सक्रीट करती हैं फ्रेश वाटर फिशेस की अगर मैं बात करूँ तो फ्रेश वाटर फिशेस अमोनिया की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करती हैं एंड अगर मैं बात करूँ मेरीन वाटर बोनी फिशेस की सो दे एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ टी एम ए अभी टी एम ए क्या होता है टी एम एज ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड ठीक है सो so ये हमने एक बेसिक क्लासिफिकेशन कर दी क्लियर हो गया सभी को तो ये अपनी नोटबुक्स में ज़रूर लिख लेना बिल्कुल ऐसे ही रट्टा नहीं मार सकते आप लोग कि फिर एक्वाटिक है तो अमोनिया ही रिलीज करेंगी ठीक है ओके अब हम चलेंगे ऑर्नाइथिन साइकिल पे पर साइकिल पे ओके ऑर्थिन साइकिल लिखेंगे इसको हम एक और नाम से जानते हैं इट इज़ ऑल्सो नोन एज यूरिया साइकिल क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे होते हैं लिवर में देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिवर में होती है ठीक है अमोनिया से यूरिया कन्वर्ट करती है ठीक है और क्या रिमूव करती है रिमूव अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ब्लड से ठीक है क्लियर हो गया अगर लिवर नॉन फंक्शनल हो गया अगर बाई चांस लिवर नॉन फंक्शनल हो जाए तो अमोनिया की आ, मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन है क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाती है ब्लड में ठीक है और अगर किडनीज नॉन फंक्शनल हो गई देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ मैं ठीक है लिखो इनको अगर लिवर नॉन फंक्शनल हो गया तो अमोनिया की क्वांटिटी ब्लड में इंक्रीज़ हो जाएगी अमोनियम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज इन ब्लड और अगर किडनी नॉन फंक्शनल हो गई तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया विल इंक्रीज इन द ब्लड ठीक है ये आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लिख लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ़ यूरिया विल इंक्रीज़ इन द ब्लड ठीक है अब इस यूरिया की अगर मैं बात करूँ तो ये प्लाज्मा के थ्रू किडनीज तक पहुँचाया जाता है जो कि यूरिन के साथ एक्सक्रीट कर दिया जाता है यूरिन की फॉर्म में ठीक है सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इतना इतने पॉइंट्स लिख लिए आपने चलो अब नेक्स्ट पॉइंट्स लिखते हैं जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया होती है ना कई बार क्वेश्चन आ रखा है ठीक है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया हमें कौन सी वीन या फिर आर्टरी में मिलती है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया हमें मिलती है हिपैटिक वीन में ठीक है क्यों मिलती है भाई हिपैटिक वीन में क्योंकि लीवर बना रहा है और लिवर से जो ब्लड लेके जाएगी वो वीन होगी क्लियर हो रहा है तो हिपैटिक वीन में मैक्सिमम अमाउंट मिलती है और अगर यहीं पे पूछ लिया जाए मिनिमम अमाउंट मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया कहाँ मिलती है सो इट इज फाउंड इन रीनल वीन रीनल वीन क्यों रीनल वीन में क्यों क्योंकि रीनल आर्टरी यूरिया को लेकर आई अब यूरिया को जो लेकर आई ठीक है अब वो यूरिया मतलब अच्छे तरीके से अब एक्सक्रीट करना है एलिमिनेट करना है बॉडी से तो रीनल वीन के पास सबसे कम अमाउंट ऑफ यूरिया प्रेजेंट होता है वेरी 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 वेरी, 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 वेरी इंपॉर्टेंट ये पूरा अपनी नोटबुक्स में या फिर एनसीईआरटी में लिख लो ठीक है फिर मैंने एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की भी बात करी थी देखो अब यहाँ तक का क्लियर हो गया सभी को फिर यहाँ पर हमने बात करी थी कुछ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की एनिमल किंगडम से है ना ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स वाला पैराग्राफ है तो पौरी में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर बता सकते हो आप पॉरी का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर टैग में इन द कमेंट सेक्शन पॉरिफेरेंस का एक्सक्रिटिव स्ट्रक्चर बताओगे फ्लैट वॉम्स का बताओगे और आर्थ्रोपोर्स का बताओगे ठीक है इससे ये क्लियर हो जाएगा कितनी आपको एनजीआर अच्छे से आपने रीड करी है वैसे मैंने आपको कराई भी थी आपको ज़रूर से बताना है ठीक है फिर मॉलस्क का में क्या होता है मॉलस्का में होते हैं केबर्स ऑर्गन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या है मॉलस्क में केबर्स ऑर्गन और यहीं पर एकाइनो डर्मेटा की बात अगर मैं करूं एकाइनो डर्म्स की सो दे हैव डर्मल ब्रैकिए दे हैव डर्मल ब्रैकिए एंड टू फीट दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस जरूर से अपनी नोटबुक्स में लिख लेना ठीक है यहीं पर अगर मैं वर्टिब्रेट्स की बात करूं तो ये तो एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन कर रखा है ठीक है वर्टिब्रेट्स की बात जल्दी से बता दो वर्टिब्रेट्स में क्या होता है एक्सक्लूज स्ट्रक्चर दैट बीन शेप्ड किडनी ओके गाइस तो ये मैंने आपका पूरा एनिमल किंगडम का चार्ट बना दिया है एक तरह से ठीक है अब आप इसको रीड करो वर्टिब्रेट्स में किटनी होती हैं प्रोटोजोन्स में प्लाज्मोलेमा एश एलमेंथिस में रहनेटे सेल्स हैमिकॉर्डेट्स में ग्लोमेरुलस होता है यूरोकॉर्डेट्स में होते हैं पायलॉरिक ग्लैंड इसके अलावा आप सोचोगे कि भाई एनेलिट्स का फ्लैट वर्म्स का ये सभी क्यों है गए तो ये के उस पैराग्राफ में मैंने आपको कल ही बता दिए थे दैट्स आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैम नाउ ठीक है और एक पॉइंट और रह गया सिफेलो का तो उनके आप लिख सकते हो फेरेंजियल नेफ्रिडिया ठीक है फिरेंजियल नेफ्रिडिया अब आगे चलते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देखो अब किडनी की बात करी थी मैंने किडनी क्या होती है डार्क रेड कलर की बीन शेप्ड होती है है ना डार्क रेडिश ब्राउन ग्री डार्क रेड बीन शेप स्ट्रक्चर है रेडिटोनियली यानी कि पेरिटोनियम पे ठीक है पेरिटोनियम मतलब जो हमारा जो वेंट्रल सरफेस ठीक है किडनी की जो वेंट्रल सरफेस है ना किडनी की जो वेंट्रल सरफेस है वहीं पर पेरिटोडियम प्रेजेंट है ठीक है क्लियर हुआ सभी को ओके नाउ अब इसकी पोजीशन बिल्कुल मुझे बता देना आप कमेंट सेक्शन में लास्ट क्लास का होमवर्क है ठीक है मतलब लास्ट क्लास से क्वेश्चन है जो कि आज का होमवर्क है सो so, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे दैट इज योर देखो मेलफिजियन कॉर्पस क्यूल ये पूरा याद है ना आपका मेलफिजियन कॉर्पस क्यूल इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्या है मेलफिजियन कॉर्पस क्यूल ग्लोमेरुलिस क्या होता है ग्लोमेरुलस इज लाइक अ टफ कैपिलरीज़ कौन सी कैपिलरीज़ आर्टरी uh, बनाती हैं फ्रंट आर्टीरियल ठीक है ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होती है फिल्ट्रेशन यहाँ पर होती है ठीक है नॉट टॉकिंग अबाउट द बॉमेंट कैप्सूल तो ये क्या है डबल लेयर कप शेप स्ट्रक्चर है ठीक है यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बहुत ही स्पेशल टाइप के सेल्स प्रजेंट होते हैं जो कि पोडोसाइड्स कहलाते हैं अब हम स्टार्ट करते हैं अपना यूरिन फॉर्मेशन में फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स वाला पार्ट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो आज स्टार्ट करेंगे हम रीनल ट्यूब्यूल से सो so, सबसे पहले मुझे ये बता दो कि रीनल रीनल ट्यूब्यूल में कौन कौन से पार्ट आएंगे सबसे पहले आएगा पी सी टी देन योर लूप ऑफ एनले देन योर डिस्टल कॉन्फोल्यूट ट्यूब्यूल दैट इज टी सी टी ठीक है सो पी सी टी हैललेज लूप एंड डी सी टी ये तीन पार्ट आने वाले हैं ठीक है फिर से बता दूं इन सभी पार्ट्स का डायग्राम से बता देती हूँ फिर से ठीक है वैसे तो हमने लास्ट क्लास में अच्छे से पढ़ाई था लेकिन फिर भी देख लो जिन बच्चों ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी वो देखो ये पार्ट हमने अच्छे से कवर कर लिया अब यहाँ से मलफीजन कॉर्पस ट्यूब से ये जो ट्यूब निकली है इसको तो हम कहेंगे पीसीटी इसके बाद ये स्टार्ट हो गया लूप ऑफ हैनले ठीक है अब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो डिसेंडिंग अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो असेंडिंग देन योर डी सी टी क्लियर नाउ स्टार्टिंग विद द पी सी टी ओके सो अब पी सी टी से स्टार्ट करते हुए पीसीटी क्या है इट इज लाइंड बाय सिंपल क्यू ब्रश बॉर्डर एपी हर एक का ये आपको आपकी नोटबुक्स में प्रेजेंट होना चाहिए लिखा हुआ कि पीसीटी के जो सेल्स हैं जो उसको बाउंड जो उसके यहाँ पर बाउंड्री पे एपिथीलियम पे प्रेजेंट है वो कौन से सेल्स हैं नोटबुक में लिख लेना पूरे रीनल ट्यूब्यूल्स के तो यहाँ है सिंपल ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं रीएबॉर्ब के लिए क्लियर नियरली ऑल देंशियल न्यूट्रिय न्यूट्रिएंट्स एंड वॉट आर आर री By this segment, ठीक है अभी हम note करेंगे don't worry. PCT also helps to maintain the pH. ab ye function अब ये pct आ गए ki aapko of के जो कि आपको अफकोर्स हाईलाइट करने हैं क्या मेनटेन करता है पी एच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूड्स एंड सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स अमोनिया एंड पोटेशियम आयन्स फिल्ट्रेट में होती है सिक्रेशन में मतलब वो बैक जो फिल्ट्रेट में जा रहे हैं सामान ठीक है और एब्जॉर्बशन किसकी होती है एच माइनस की अब देखो पीसीटी में क्या क्या एब्जॉर्ब और कितना होता है वो लिखेंगे तो चलिए हम नोट करेंगे सभी ओके okay, सो so मैंने लिख दिया यहाँ पर कि पी क्या है साइट ऑफ मैक्सिमम री है ठीक है सो so जो भी पॉइंट्स में लिख रही हूँ तो गाइज बार बार रिपीट करने की जरूरत ना पड़े आप अपने आप इनको अपनी नोटबुक्स में या फिर एन सी में लिख लो तो यहाँ पर हम पहले हर एक चीज़ लिख लेते हैं जो कि पी में जाकर एब्जॉर्ब होती है ठीक है फिर मैं यहाँ पर आपको परसेंटेज बता दूंगी कितनी एब्जॉर्प्शन री एब्जॉर्प्शन होती है ठीक है देन सोडियम पोटाशियम योरफॉसफेट या फिर हम इनको एक साथ लिख लेते हैं क्योंकि इनकी जो परसेंटेज होती है ना दैट इज़ अराउंड सेम तो अमाइनो एसिड यूरिया देखो एंड सोडियम पोटाशियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम ठीक है देन योर मैग्नेशियम ठीक है ये पॉइंट्स एंड सबसे इम्पोर्टेंटली वॉट तो ये पॉइंट्स हैं जो हमें लिखने हैं एंड यहाँ पे हम इसको साफ कर देते हैं ओके okay. सो so अब हम नोट करते हैं कि कितनी कितनी परसेंटेज में ये रीअब्सॉर्व होता हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लूकोज़ की तो ग्लूकोज हो जाता है हंड्रेड परसेंट री तो यहाँ पर लिखेंगे हंड्रेड परसेंट अमाइनो एसिड भी अराउंड एंड अराउंड हंड्रेड परसेंट रीअब्जॉर्ब यहीं पर हो जाते हैं यूरिया होता है फिफ्टी परसेंट रीअब्जॉर्ब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूरिया हंड्रेड मतलब पूरा Uh, जाकर यूरिन में uh, पूरा जाके एलिमिनेट भी नहीं होगा पूरा रीअब्जॉर्ब भी नहीं होगा एंड दीज ऑल मिनरल्स जैसा कि एन में लिखा था सेवेंटी से एट्टी परसेंट सो हम सेवेंटी भी लिख सकते हैं एंड पूरा ही लिख दो सेवेंटी से एट्टी मैग्नीशियम अराउंड थर्टी परसेंट एंड वाटर अप्रॉक्सीमेटली सेवेंटी परसेंट तो ये बन गया हमारे पास पीसीटी का चार्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि दिस इज द साइट ऑफ मैक्सिमम री एब्सॉर्प्शन ठीक है तो ये अपनी नोटबुक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलना दैट पीसीटी इज द साइट ऑफ मैक्सिमम री एब्जॉर्प्शन ओके नाउ कमिंग ऑन टू डीसीटी और हैंडलेज लूप पहले हैंडलेज लूप पढ़ेंगे ठीक है सो हैंडलेज लूप री एब्सॉर्प्शन इन दिस सेगमेंट इज मिनिमम आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया ना इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस सेगमेंट में रीऑब्जॉर्प्शन होती है मिनिमम मैंने क्या बताया था कि पीसीटी में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होगी यहाँ पर मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन हो रही है ठीक है सो पीसीटी को जल्दी से रिवाइज करेंगे पीसीटी का लियोमन कंटिन्यू कहाँ से करता है बाउमेन जो कैप्स्यूल है हमारी या फिर मारफिजन कॉर्पस्क्यूल कह लो ठीक है सो उससे उससे पूरे जाते पीसीटी का ल्यूमन कंटिन्यू करता है यहाँ पर कौन से टाइप के सेल्स होते हैं ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथीलियम सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम ठीक है ये इंक्रीज कर देते हैं किसको सरफेस एरिया को यहाँ पे जो सेल्स होते हैं ना वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है ठीक है द सेल्स आर रिच इन जो कि उनको अलाउ करता है कि वो रीअब्सॉर्प्शन कर सके बाय एक्टिव प्रोसेस आल्सो, ठीक है क्योंकि सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन जो होती है ना वो एक्टिव प्रोसेस से होती है ठीक है एनएम प्लस के रीअब्जॉर्प्शन कैसे होती है एक्टिव प्रोसेस से तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोडक्शन जरूरी है

डिसेंडिंग लिम्बो फ्लू पर फैलने की सो दैट इज परमेबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स तो ये परमेबल क्यों है वाटर से सो दिस इज़ परमेबल टू वाटर क्योंकि यहाँ पर एक्वापोरस की अमाउंट ज़्यादा है नंबर ऑफ एक्वापोरस आर मोर कहाँ पर डिसेंडिंग लिंबो फ्लू पर फैलने में और यहीं पर डिसेंडिंग लिंबो फ्लू पर फैलने की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स का ट्रांसफर ट्रांसपोर्ट आराम से हो जाता है क्यों इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों हो जाते हैं आराम से क्योंकि यहां पर जो कैरियर चैनल्स हैं कैरियर प्रोटीन्स जो हैं ठीक है वो ज्यादा प्रेजेंट होते हैं ठीक है कहां पर असेंडिंग पे सो द डिसेंडिंग लिम्प ऑफ लूपर परमेबल टू वाटर बट इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स दिस कंसेंट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट मूवस डाउन क्योंकि ये परमिएबल टू वाटर है तो वाटर आराम से आ, बाहर निकल सकता है तो फिर वहाँ पर जो अंदर जितना भी फिल्ट्रेट प्रेजेंट है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है यहीं पर असेंडिंग लिंक की बात करूँ सो दैट इज़ इम परमीएबल टू वाटर बट अलाउज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रो ठीक है एक्टिवली या पैसिवली therefore the concentrated filtrate pass upwards क्योंकि ascending limb of loop of Henle upward pass करता है and it gets diluted due to the passage of electrolytes to the medullary fluid यहाँ पर जो concentrated हुआ था क्योंकि water निकल गया देखो ध्यान से समझो इस point को कई सारे बच्चों को ना यहीं पर confusion रहती है that I don't want कि आपको confusion रहे so ये loop of Henle मान लो मैंने बना दिया अब कोई मैं यहाँ पर लिंब की थिकनेस या फिर थिननेस की कोई डिस्टिकशन नहीं बना रही हूँ इसका ध्यान रखते हुए आप समझना आगे अब देखो ये मैंने यहाँ पर बना दिया अब यहाँ पर ये यह हो गया डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेल्ले एंड दिस इज असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेल्ले तो यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रही है यहाँ से नीचे की तरफ क्योंकि यहाँ पर वाटर की परमिएबिलिटी है तो सारा वाटर यहाँ रिलीज़ हो जाएगा जितना होना चाहिए ठीक है सो वाटर रिलीज़ हो गया तो यहाँ क्या बचे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह तो यहाँ पर फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेटेड हो गया कहाँ पर डिसेंडिंग लिम्ब लूपले ने फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेटेड बना दिया एंड यहाँ सेंडिंग वाले लिम्बे सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे ना वो रिलीज हो जाएंगे ठीक है इलेक्ट्रोलाइट्स तो अब इलेक्ट्रोलाइट्स रिलीज हो गए तो जितना वाटर बचा था क्योंकि सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई तो अब क्या होगा ये डाइल्यूट फॉर्म में आ जाएगा ठीक है आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये यहाँ पर क्या एग्जिबिट कर रहे हैं दे आर एग्जिबिटिंग हियर काउंटर करंट मकैनिज़म काउंटर करंट मकैनिज़म ठीक है काउंटर करंट मकैनिज़्म क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था सो हाई आई होप इट्स क्लियर टू यू गाइस ठीक है और अगर आपको स्क्रीनशॉट्स uh, शॉट्स लेने नोट करना है ना तो, तो पहले ही पोस्ट करके नोट कर लिया करो ठीक है ओके सो लूप सोलह का फैलने रिवाइज करते हुए प्रॉक्सिमल प्रोक्सीमल से स्टार्ट होगा और डिस्टल कॉन्वल्यूटेड ट्यूबेल जैसे ही स्टार्ट होगी ये मतलब उतना रीजन है पीसीटी और डीसीटी के बीच वाला रीजन है ठीक है अब यहाँ पर कौन सी लाइनिंग होती है क्यूबॉयडल एपिथीलियम यहाँ पर लाइन करता है लेकिन यहाँ के जो सेल्स हैं वहाँ पर कम माइक्रोवेलाई होते हैं और कम होते हैं इसीलिए तो यहाँ पर रीअब्जॉर्बन मिनिमम होती है

यहां पे थोड़ी सी थिन सेगमेंट होती है देखिए एक सेकेंड बेसिकली आई वॉन्ट टू टेल यू दैट दिस इज द थिक सेगमेंट दिस इज द थिन सेगमेंट ठीक है यही ओके नाउ कमिंग टू द डिस्टल कॉन्वल्यूटिव ट्यूब्यूल ओके okay, अब डिस्ट्रिक्ट ट्यूब्यूल पे आ जाते हैं तो यहाँ पर कंडीशनल रीअब्जॉर्पन होती है यानी कि अगर रीअब्जॉर्प्शन वाटर की कम हुई है या फिर हमारी बॉडी में वाटर की अमाउंट कम है तो फिर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी अल्टरनेटिवली ऐसा होगा वाटर ज़्यादा है तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम होगी इस वाले पार्ट में नहीं होगी अगर वाटर कम है तो वो री ज़्यादा यहाँ पर होगी तो यहाँ पर सोडियम की और वाटर की कंडिशनल रीअब्जॉर्पन होती है

ठीक है इस तरीके की अभी जो असेंडिंग लिंबो ऑफ हेल्ले है अब ये जाकर कहां पर ओपन हुआ डीसीटी में ठीक है यही से डीसीटी स्टार्ट हो गई कौन से सेल्स होते हैं यहां पर भी क्यूबॉइडल सेल्स ठीक है यहां पर भी कौन से सेल्स प्रेजेंट है क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट है ठीक है दे हैव नो ब्रश बॉर्डर ठीक है अब इस डीसीटी का जो टर्मिनल पार्ट है वो कैसा होता है बिल्कुल स्ट्रेट है ना स्ट्रेट होता है एंड इस नोन आज जंक्शन ट्यूब्यूल जंक्शनल ट्यूब्यूल ट्यूब्यूल एंड क्योंकि कनेक्टिंग uh, जो कलेक्टिंग डक्ट है उससे कनेक्ट करता है ना कनेक्ट कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्ट करता है तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं दैट इज द कनेक्टिंग ट्यूब्यूल कनेक्टिंग ट्यूब्यूल ओके आई होप इट्स क्लियर टू यू ठीक है नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट पार्ट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल अब ये मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया है इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है यहाँ से ये पीसीटी सी टी इन सभी चीज़ों के लिए रीअब्जॉर्प्शन होगी यहाँ से डिसेंडिंग असेंडिंग लिम्ब ऑफ एन देखो वाटर परमिएबिलिटी सोडियम परमिएबिलिटी ठीक है क्लियर हो रहा है ये काउंटर करेंट ठीक है यहाँ से कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होती है एंड दिस इज कलेक्टिंग डाक्ट ठीक है यहाँ मैंने आपको परसेंटेज में भी बताया था ओके okay, और सभी की तो मैंने आपको परसेंटेज बताई नहीं ओके ओके गाइस चलिए लिखते हैं और सभी की यानी कि लूप ऑफ हेलने की और डीसीटी की लिख लेते हैं सो so, जो हमारे पास थिक असेंडिंग लिंब होगी ना लूप ऑफ हेलने में यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो सोडियम की रीअब्जॉर्पन अराउंड ट्वेंटी फाइव परसेंट पोटाशियम की अराउंड ट्वेंटी परसेंट कैल्शियम की भी ट्वेंटी फ़ाइव परसेंट होती है एंड मैग्नीशियम की यहाँ पर होती है सिक्सटी परसेंट पी सी टी में मैग्नीशियम की यहाँ पी सी टी से कंपेयर करूँ तो पी सी टी में मैग्नीशियम की कितनी हुई थी थर्टी परसेंट कैल्शियम की कितनी हुई थी कैल्शियम की सेवेंटी परसेंट एंड सोडियम की कितनी रीअब्जॉपन हुई थी पी में सोडियम की रीअब्जॉर्बन हुई थी अप्रॉक्सीमेटली सेवेंटी परसेंट ठीक है सेवेंटी परसेंट एंड पोटाशियम की कितनी हुई थी सेवेंटी परसेंट ठीक है आई होप इट्स क्लियर टू यू गाइस नाउ कमिंग ऑन टू डी सी टी सो टॉकिंग अबाउट डी सी टी तो डी सी टी में सोडियम की फाइव परसेंट होती है रीअब्जॉर्पन कैल्शियम की एट परसेंट मैग्नीशियम की फाइव परसेंट एंड टॉकिंग अबाउट वाटर एंड यूरिया तो इनकी वेरिएबल अमाउंट में रीअब्जॉर्बन होती है एज आई टोल्ड यू कि बॉडी की कंसेंट्रेशन बॉडी में कितना वाटर है डिपेंड्स ऑन द बॉडी कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर यूरिया इन सब की सोडियम ऑल्सो है ना तो फिर ये सभी डिपेंड करते हैं कलेक्टिंग डक्ट पे कौन सी लाइनिंग होती है क्यूबॉडल या फिर कॉलमनर सेल्स की ठीक है एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टिक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ मेड्यूला इसी के बेसिस पे जेक्सट्रा मेड्यूलरी याद है जेक्ट्रा मेड्यूलरी नेफरॉन्स एंड कॉर्टिकुलर नेफरॉन्स ये सब मैंने आपको बताया था लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी कुड बी रीअब्सॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन ठीक है दिस सेगमेंट देखो अगर कॉन्सेंट्रेटेड यूरन बनाना है तो जो वॉटर की वेरिएबल अमाउंट लिखी थी तो वहाँ पर ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वाटर रीअब्जॉर्बन हो जाएगी This segment allows passage of small amount of urea into the medullary interstitium to keep up the osmolarity. ये भी आप highlight करेंगे और इसका एक important role है in the maintenance of pH and ionic balance of the blood by the selective secretion of H plus and K plus ions. Plus आपको क्या points में लिखवाना चाहती हूँ और भी important sodium के बारे में. Sodium जो है मैंने आपको बताया कि भाई active reabsorption होती है. सो आउट ऑफ दाइनटी नाइन सोडियम की रिओब्जॉर्प्शन जो है 99.5% सोडियम की रि हो जाती है ट्यूब्यूल्स के थ्रू सो so, इसमें से मैं आपको बताती हूं अलग अलग ट्यूब्यूल्स का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है ठीक है सो पी सी में कितनी होती है लूप ऑफ हेनले में डी और कॉन्वल्यूटेड सीटी लिख सकते हो ठीक है कलेक्टिंग डक्ट सॉरी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कलेक्टिंग डक्ट भी लिख सकते हो सीटी ठीक है सो so, पीसीटी से कितनी होती है सिक्सटी सेवन परसेंट लूप ऑफ एंडली से ट्वेंटी फाइव परसेंट डी सी टी से एट परसेंट एंड इन दोनों में क्या अमाउंट क्या uh, किस चीज के कंट्रोल में है क्या डिपेंड करेगा हार्मोनल कंट्रोल पे है हॉर्मोन के अकॉर्डिंग है ठीक है वो मैं अभी आपको बता दूंगी लास्ट क्लास में भी रैनिन के बारे में बताया था ठीक है सो दिस इज ऑल क्लियर टू यू क्लियर हो गया ओके नाउ कमिंग ऑन टू मकैनिज्म ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कंसनट्रेटेड यूरिन ठीक है दैंड ले लूप एंड वॉसा रेक्टा वासा रेक्टा कहाँ पर होती है जक्स्टा मेड्युलरी नेफ्रॉन्स में होती है या फिर कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन्स में होती है तो जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स में वासा रेक्टा प्रजेंट होते हैं ठीक है कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन्स में वॉसा रेक्टा प्रजेंट नहीं होती ओके सो यहाँ मैंने नोट कर दिया फ्लो ऑफ़ फिल्टरेट इन द टू लिम्स ऑफ फैल ले लूप इज इन अपोजिट डायरेक्शन तो ये काउंटर करंट बना रहे हैं Also फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वासा रेक्टा के साथ भी यहाँ पर काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है देखिए यहाँ पर ये असेंडिंग limb of Henle और ये वासा रेक्टा तो ये वाला जो सेगमेंट है और ये वाला सेगमेंट है ये एक साथ है एक्चुअली एन ने इसको अलग अलग करके दिखा रखा है एक्चुअल इमेज इस तरीके की होनी चाहिए थी ठीक है सो so, यहाँ नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है और यहाँ पर क्योंकि ये इधर जा रहा है राइट इधर जा रहा है तो यहाँ पर ये वाला जो लिंब होगा वो यहाँ या तो यहाँ फ्लो ऐसे हो रहा है ठीक है यहाँ पर देखो यहाँ मैं बना देती हूँ सो दिस इज वॉट वोसा रेक्टा एंड दिस इज लूप ऑफ एनले अब ये क्या है असेंडिंग सॉरी डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले दिस इज असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ एनले अब यहां पर मैं फ्लो डिनोट करूंगी देखो डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले में इस तरीके से फिल्ट्रेट फ्लो करेगा ठीक है अब वॉसर एक्टा में किस तरीके से फ्लो होगा इस तरीके से ठीक है क्लियर हो रहा है तो ये आपस में भी काउंटर करंट में ठीक है ये आपस में भी काउंटर करंट में देखो कहाँ कहाँ तीन स्टेजेस पे काउंटर करंट में क्या जिसमें चल रहा है एक तो इन दोनों के बीच में कहाँ कहाँ फैला डिसेंडिंग लिम्बो ऑफ ले एंड असेंडिंग लिम्बो ऑफ लूप ऑफ हैन ले ठीक है दूसरा द टू लिम्स ऑफ रेक्टा ठीक है इन दोनों के बीच में तीसरा कहाँ चल रहा है बिटवीन रेक्टा एंड लूप ऑफ हैनले देख रहे हो इन दोनों के बीच में तो दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू क्लियर यू क्लियर हो रहा है ना आप सभी को तो so, अब रीडिंग करते हैं टॉक्सीमेटी बिटवीन हैललेस लूप एंड वॉसा रेक्टा एज वेल एज अ काउंटर करेंट इन हेल्प इन मेनटेनिंग एन इंक्रीजिंग ऑस्मुलेरिटी ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी अभी डोंट वरी दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज बाय एन एस सी एल एंड यू पहले यहीं से समझो इस एनसीआर की रीडिंग आप खुद करोगे दिस इज योर टूडेज होमवर्क ये आप खुद रीड करोगे मैं आपको डायग्राम से बिल्कुल ऐसा क्लियर कर दूंगी ना उसके टेंशन मत लो डायग्राम से ऐसा क्लियर हो जाएगा कि आप कभी नहीं भूलोगे लेकिन रीडिंग आप खुद करोगे और मुझे बता देना कोई अगर डाउट रहे तो रीडिंग में देखो यहां पर ये हो गया ग्लोमेरुलस एंड दिस इज़ योर बोमेंस कैप्सूल ये तो सभी को क्लियर है दे इतना पार्ट तो भाई किसी को डाउट होना नहीं चाहिए ये तो लास्ट क्लास का पार्ट है ठीक है इतने पार्ट में किसी को कोई डाउट नहीं है ठीक है और ये क्या है दिस इज़ नेफ्रॉन एंड दिस इज़ वासा रेक्टा ठीक है अब यहाँ से क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई वाटर तो बाहर निकल गया तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो अब देखो ये ऑसमोलैरिटी इंक्रीज करती जा रही है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती जा रही है ठीक है अब वाटर यहाँ से बाहर निकल गया इस वाले पार्ट में इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल रहे हैं तो यहाँ पर आते आते इतनी कंसंट्रेशन हो गई थी तो अब जैसे यहाँ पर देखो अब ये पार्ट समझ नहीं आ रहा ना तो थोड़ा बैक करो वीडियो को टी वाला पार्ट समझो अच्छे से सॉरी लूप ऑफ फैलने वाला पार्ट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ देखो अब क्योंकि यहाँ मैंने क्या बताया था कि जो सेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपो फैलने हैं ये इलेक्ट्रोलाइट से इम्परमीएबल है जैसे इट्स इम्पामिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स ओके इट्स इम्पामिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स तो यहाँ पर वाटर वाटर से परमिएबल है तो वाटर रिलीज कर रहा है तो वाटर रिलीज करेगा इस पर्टिकुलर सल्यूट की कंसनट्रेशन से और कम वाटर कर दिया और कम निकाल लिया निकाल दिया निकाल दिया क्या होगा कंसनट्रेशन इंक्रीज करेगी ठीक है ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर मेरे पास वाटर इतना है पर मैं क्या कर रही हूँ जो सोल्यूट प्रेजेंट है ना इनको निकाल रही हूँ निकाल रही निकाल हूँ रही। तो क्या होगा सोल्यूट कम हो जाएंगे वाटर वाटर बचेगा तो ये क्या हो जाएगा डाइल्यूट हो जाएगा yes! so, यस से वाटर रिलीज हुआ तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करती जा रही है यहां से इलेक्ट्रोलाइट्स रिलीज हुए तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करती जा रही है आई होप इतना क्लियर हो गया सभी को ठीक है इतना सभी को क्लियर है ये ओके नाउ कमिंग ऑन टू द वासा रेक्टा देखो ये पार्ट हमने अच्छे से समझ लिया नाउ वासा रेक्टा में क्या हो रहा है वासारेक्टा में भी क्योंकि यहाँ आप देखो बाहर की तरफ वॉटर रिलीज हो रहा है देखो अब वासा रेक्टा की अपनी अलग कहानी है पहले इसी को समझो वासा रिक्टा यहाँ से इस वाले पार्ट से एन सी एल रिलीज करता है ठीक है और इस वाले पार्ट से एच टू ओ यानी कि ये अगेन सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है डिसेंडिंग वासा रेक्टा इज रिलीजिंग वाटर एंड असेंडिंग वासारेक्टा इज रिलीजिंग electrolytes इतना इतना याद रखना है और ये याद रखना भाई काउंटर करंट में तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये लाइन याद रख ली तो क्योंकि अब ये देखो यहां से एनएससीएल रिलीज हो रहा है एनएससीएल रिलीज हो रहा है पहले तो यहां पर एनए सीएल देखो एक सेकेंड ओके okay, यहाँ पे वाटर रिलीज हो रहा है यहाँ से स्टार्ट हुआ ना तो यहाँ से वाटर रिलीज हो रहा है तो वाटर रिलीज हुआ रिलीज हुआ अगेन द कंसनट्रेशन इज इंक्रीजिंग अब यहाँ से एन इंक्रीज हो रहा है तो कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग दिस इज वॉट द होल कॉन्सेप्ट इज इतना क्लियर हो गया अब यहाँ से क्या होगा अब इसको मैं एज इज यहाँ पर वासा रेक्टा को रखूंगी तो जो सोडियम होगा आप देखो ये हमारा लूप ऑफ फैलने हो गया ये यहाँ पे क्या है सारा वाटर रिलीज कर रखा है ठीक है इसने वाटर रिलीज कर रखा है यहाँ पर एन रिलीज कर रखा है ठीक है और इसने यहां पर क्या रिलीज किया ये क्या है इंटरस्टिशियल फ्यूड है ये जो जहां पर रिलीज किया है ना दिस इज इंटरस्टिशियल फ्यूड ये क्या है इंटर फ्लूड सो so, यहां से अब ये जो एन रिलीज हुआ है यहां से वाटर रिलीज हो रहा है यहां से एन रिलीज हो रहा है क्योंकि ये क्या देखो ये नीचे जा रहा है ये ऊपर जा रहा है ये ऊपर जा, जा रहा है ये नीचे जा रहा है क्लियर तो इसी तरीके से एब्जॉर्बन हो जाती है क्लियर हो गया ना सभी को इतना पार्ट okay so now coming on to the regulation of kidney functions functioning of the kidney is efficient monitored and regulated by the hormonal feedback mechanism involved in the hypothalamus JGA and certain extent the heart also osmoreceptors in the body are activated by the changes in blood volume taken अब ऑस्मो रिसेप्टर्स जो हैं बॉडी के वो कैसे कैसे एक्टिवेट होंगे या तो ब्लड वॉल्यूम में चेंज हो गया कोई या बॉडी के फ्यूड वॉल्यूम में या फिर आइनी कंसनट्रेशन इन तीनों में से कुछ भी चीज़ चेंज हुई तो ऑस्मो रिसेप्टर्स बॉडी के जल्दी से एक्टिवेट हो जाएंगे कि भाई ये हो क्या रहा है ठीक करो इस काम को बॉडी कैन एक्टिवेट दीज रिसेप्टर ज्यादा फ्लूड का लॉस हो गया फिर भी ठीक है ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे हाइपोथैलमिस को स्टिमुलेट करेंगे हाइपोथैलमिस क्या करेगा एंटी डाईरेटिक हॉर्मोन ए डी एच या फिर जिसको हम कहते हैं वेसोप्रेसिन उसको रिलीज कर देगा कहाँ से देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं अभी इनको नोट करो जल्दी से देखो क्या करना है एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूड फ्रॉम द बॉडी एक्टिवेट द रिसेप्टर्स स्टिमुलेट द हाइपोथेलेमिस जो जो मैं माँ कर रही हूँ उसको हाईलाइट करना आपको दे रिलीज एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन और वेसोप्रेसन फ्रॉम द न्यूरोपोफाइसिस ईडीएच फैसिलिटेज वॉट रीअब्जॉर्ब अब ज्यादा लॉस ऑफ फ्लूड हो रहा है तो ईडीएच क्या करेगा ईडीएच को वही निकल रिलीज कराया है तो क्या काम करने के लिए जाहिर सी बात है ज़्यादा फ्लूड बाहर चला गया तो आप उसको रीअब्जॉर्ब करो ठीक है ताकि डायरेसिस जैसी कंडीशन ना होने पाए और अगर बॉडी फ्लूड वॉल्यूम इंक्रीज हो गई देन दिस स्विच दिस विल स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर्स एंड सप्रेस रिलीज टू फीडबैक सिंपल अगर वापस नॉर्मल पे देखो भाई कोई चीज अगर घर में कम है कोई चीज मान लो घर में दूध कम है तो क्या होगा दुकान पे भेजा जाएगा बच्चों को कि भाई दूध लेकर आओ ठीक है दूध आ गया अब थोड़ी ना दोबारा भेजेंगे कि जाओ दूध लेकर आओ अब आ गया ना जितना चाहिए था तो बॉडी फ्लूड वॉल्यूम वो नॉर्मल पे आ गई अब फिर से ए डी एच को रिलीज नहीं कराया जाएगा सप्रेस करा दिया जाएगा ठीक है ए डी एच किडनी के फंक्शन को भी इफेक्ट कर सकता है बाय इट्स कॉन्स्ट्रिक्ट्री इफेक्ट्स ऑन दी ब्लड रिसर्स देखो अगर बीपी देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर अगर कम है तो भी एडीएस रिलीज कराया जा सकता है कंस्ट्रिक्ट ज्यादा कर दिया ब्लड वेसल्स को तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो ठीक है अब जैसे ये इतनी थी तो अगर इसको तो कंस्ट्रक्ट कर दिया तो इतनी हो गई तो प्रेशर इंक्रीज हो गया प्रेशर इंक्रीज हो गया तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया एंड इसी वजह से ग्लोमैरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो या ठीक है ये दो पॉइंट्स क्लियर हो गए नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट जो कि है जे जी ए जस्ट ग्लोमेरुलर अपराटिस जिसका एक कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल होता है a इन जी एफ आर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट सॉरी ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो वही एक तरह से जी एफ आर जी एफ आर का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होता है या फिर ब्लड प्रेशर वो कम होता है तो फिर ये जे जी सेल्स जो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स को एक्टिवेट करता है वो रिलीज करते हैं रेनिन फ्लो चार्ट बनाना है ठीक है सभी फ्लो चार्ट बनाएंगे अभी मैं आपको बनवाऊँगी जस्ट एक बार रीड कर लेते हैं रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को ब्लड में एंजियोटेंसिन वन और टू में कन्वर्ट कर देता है ठीक है एंजियोटेंसिन टू क्या करता है बींग पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्ट यानी कि ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने वाला है इट इंक्रीजेज द ग्लूमार ब्लड प्रेशर वही जो ऊपर किया था वही यहाँ पर हो रहा है दूसरे ऑमन से एंड देयर बाय जी ठीक है Angiotensin 2 also activates the adrenal cortex to release aldosterone. Angiotensin 2 क्या कर रहा था वैसो कंस्ट्रक्टर की तरह काम कर रहा है जे एफ आर इंक्रीज कर रहा है प्लस ये क्या कर रहा है एड्रिनल कॉन्टेक्स कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर रहा है वो क्या रिलीज करेगा एल्डोस्टेरॉन एल्डोस्टेरॉन सोडियम की रि और वाटर की कराएगा कहाँ से डिजिटल पार्ट ऑफ द ट्यूब जहाँ मैंने कहा था वेरिएबल अमाउंट है बॉडी को जरूरत है तो रीअब्जॉर््शन होगी This also leads to an increase in blood pressure and GFR. This complex mechanism is generally known as the renin angiotensinogen mechanism. इन एनजीओ टेंसन ओजन मकैनिज्म क्योंकि यहाँ इन दो हॉर्मन्स का काम हुआ है ना तो इससे हम क्या कहेंगे रन इन एनजीओ टेंसिन टेंसिन मकैनिज्म एनजियो टेंस इन मकैनिज्म सो गाइज आई एम थैंक कि इस लेक्चर में ये चैप्टर कम्पलीट हो जाएगा सो वन शार्ट सेशन हमें अलग से बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दो सेशन आर मोर ठीक है दोनों एनसीईआरटी से हैं तो अलग से हम एक क्वेश्चन वाला सेशन ले आएंगे ठीक है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे एम सी क्यू ओके नाउ एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द एट्रिया ऑफ हार्ट कैन कॉज द रिलीज ऑफ एट्रियल यूरेटिक फैक्टर अगर एट्रिया में ज्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है तो हार्ट क्या रिलीज करेगा ए एन एफ और ये ए एन एफ क्या करेगा दिस ए एन एफ कैन कॉज डाइलेशन वेसोडाइलेन डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स देखो वेसो कंस्ट्रक्टर मतलब जो ब्लड वेसल्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट कर दिया वेसो डायलेशन मतलब उनको डायलेट कर दिया डायलेट हो गए तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा ए एन एफ मकानिज्म चेक ऑन द रेन एनजीओ टेंसन नोजन मकानिज्मीओन नोजन मकानिज्म क्या कर, कर रहा है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है और ए एन एफ मकानिज्म ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर रहा है सभी को ये सभी पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए नाउ कमिंग ऑन टू द फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट को नहीं भूलना है चलो फिर जल्दी से बना लेते हैं यहां पर फ्लो चार्ट ठीक है तो सबसे पहले क्या हुआ अगर बॉडी में से ज्यादा फ्लूड लॉस हो रहा है बॉडी एक्टिवेट द तो अब ये रिसेप्टर हाइपोथैलेमस को हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे हाइपोथेमस विल रिलीज ए डी एच विच इज ऑल्सो नोन एजोन ठीक है कहाँ से न्यूरो न्यूरोहाइपोफाइसिस ठीक है ये पॉइंट हम फ्लो चार्ट में नहीं लिखेंगे आप चाहो तो लिख सकते हो ठीक है सो so, अब ये ए डी एच क्या करेगा रीअब्सॉर्बेशन ज्यादा हो जाएगी ठीक है सो इट विल प्रिवेंट वॉट डाई यूरेसिस ठीक है अब इतना पार्ट क्लियर हो गया ए डी एस तक का ही पार्ट था अब ए डी एच क्या करेगा एडीएच अब अगर दूसरी कहानी शुरू हो जाए कि ब्लड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर कम है दूसरी कहानी में देखो एडीएच डी यहाँ पर काम पूरा हो गया कि भाई बॉडी फ्लूड वॉल्यूम अगर कम है बॉडी फ्लूड वॉल्यूम तो उसको मेंटेन कर लेगा एडीएच आके लेकिन अब अगर मान लो अब अगर मान लो ओके अब अगर मान लो कि बॉडी फ्लूड वॉल्यूम तो कोई नहीं वो तो ठीक है लेकिन किडनी फंक्शन नहीं करी ढंग से ग्लोमैरुलर फिल्ट्रेशन रेट ठीक नहीं है ठीक है सो वट इट विल डू इट विल कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स अब ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगी तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो ग्लोमेरुलस के पास जो ब्लड जाएगा ठीक है उसका जो रेट होगा वो इंक्रीज होगा एंड इसी से ग्लोमरूलर फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज हो जाएगा तो ये दो पॉइंट्स क्लियर हो गए नाउ कमिंग ऑन टू द रेनिन ठीक है रेनिन वाला पार्ट तो जे जी जे जी से स्टिमुलेट होगा यहाँ पर जो जस्ट ग्लोमर एपेरेटिस ठीक है अगर यहाँ पर जी एफ आर कम है अगेन द सेम सिचुएशन जे जी एफ uh, आर uh, कम है तो जे जी सेल्स विल दे डू जे जी सेल्स रिलीज करेंगे रेन ऑल्सो डोट कन्फ्यूज इट विद द रेन ऑफ डाइजेशन चैप्टर के साथ कंफ्यूज मत कर लेना है डबल एन है या सिंगल एन है ठीक है दिस इज अमोन ओके सो रेन अब ये रेनिन क्या करेगा अब ये रेनिन एनजीओटेसिनोजन को एनजीओटेनसिनोजन को रेनिन एन जी वन और एन जी में टू में कन्वर्ट कर देगा एन जी टू की अगर मैं बात करूँ तो ये एक बहुत ही पावरफुल पावरफुल वैसो कंस्ट्रक्टर है इट विल इंक्रीज अब ये वैसो कंस्ट्रक्टर है तो अगेन वही काम हो रहा है बी इंक्रीज हो रहा है तो जी एफ आर इंक्रीज हो रहा है ठीक है प्लस एक और काम ये करता है ठीक है इट विल एक्टिवेट द एडल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टिरोन और एल्डोस्टिरोन क्या करेगा रीअब्जॉर्ब एन ए प्लस एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल ऑल्सो लेस टू एन इंक्रीज इन बी पी इन जी एफ आर ठीक है आई होप इट्स क्लियर नाउ कमिंग ऑन टू द मिक्सरेशन मिक्सरेशन

द सिग्नल इज इनिशिएटेड बाई द स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर यूरनरी ब्लैडर में ना कुछ रिसेप्ट प्रजेंट होते हैं जैसे ये रिसेप्ट टच जैसे, जैसे कि जैसे ये रिसेप्टर स्ट्रेच होते हैं यानी कि यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच हो रहा है यूरिन तो ये रिस्पॉन्स जाएगा इन रिस्पॉन्स स्ट्रिच रिसेप्ट ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लैडर एंड सिग्नल टू द सी एन एस और अब ये सी एन एस मोटो मैसेज सेंड करेगा टू इनिशियट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूद मसल अब अगर यूरिनरी ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो यूरिन बाहर पास आउट हो जाएगा ठीक है सो so ये जैसे ही सी एन एस के पास मैसेज आ रहा है तो मोटर मसल के पास सी एन एस मैसेज ट्रांसफर कर रहा है कि अब करनी है क्या कॉन्ट्रैक्शन स्मूद मसल ऑफ द ब्लैडर एंड साममल्टेनियस रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रल्स फिंगटर यूरेथ्रल्स फिंक्टर जो है उसको रिलैक्स कर दो सो दैट यूरिन कैन बी रिलीज आउट एंड इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं मिकट्यूरेशन तो या हाईलाइट कर सकते हो तो न्यूरल मकैनिज्म कॉजिंग इट इज़ कॉल्ड इज मिकोरेशन रिफ्लैक्स ठीक है मिकट्योरेशन रिफ्लैक्स क्या होता है जो न्यूरल मकैनिज्म जो हुआ है जो सीएनएस के पास मैसेज गया सीएनएस एन मोटर न्यूरॉन्स को भेजा ये सब क्या हो गया विक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स हो गया एंड अडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट्स ऑन एन एवरेज वन टू वन पॉइंट फाइव लीटर्स ऑफ यूरिन पर डे अब याद है ग्लोमारुलर फिल्ट्रेट कितना बना था वन एटी लीटर पर डे और रिलीज कितना हो रहा है वन से लेकर वन लीटर पर डे है ना कि मैंने आपको पहले भी बताया था यूरिन के आप कुछ करेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं यूरिन फॉर्म्ड इज पेल येलो इन कलर ठीक है वाटर फ्लूड है जिसके पास पीएच कितना है अप्रोक्सीमेटली सिक्स का है ठीक है ये आप लिख लो पीएच ऑफ अप्रॉक्सीमेटली सिक्स यानी कि स्लाइटली एसिडिक ठीक है पर डे का पता लग गया वन से वन पॉइंट फाइव लीटर यूरिन एक्सक्रीट होता है ना पर डे ट्वेंटी फाइव से थर्टी ग्राम ऑफ यूरिया भी एक्सक्रीट आउट होता है ठीक है स्पेसिफिक ग्रेविटिक अगर मैं बात करूं यूरिन का सो दैट इज अराउंड वन पॉइंट जीरो वन से वन पॉइंट जीरो टू दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट वो नहीं लिखेंगे हम ये इंपॉर्टेंट है कि यूरिन का येल्लो कलर क्यों होता है सो येल्लो कलर इज ड्यू टू द यूरोक्रोम ठीक है यूरोक्रोम ओके नाउ अब ये यूरोक्रोम क्या है यूरोक्रोम इज अ ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन इट इज़ अ ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोगलोबिन एच बी ठीक है अब यहाँ पर इसी की वजह से पेल येलो कलर आता है ठीक है अब एक और पॉइंट कि भाई इसकी स्मेल क्यों होती है इतनी तो स्मेल इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया इंटू अमोनिया स्मेल इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया इंटू अमोनिया ठीक है और यूरिन में क्या क्या प्रेजेंट होता है यूरिन में वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स यूरिया यूरिक एसिड एंड क्रिएटिन प्रेजेंट होते हैं ठीक है ओके okay. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर नॉर्मल यूरिन देखिए गाइस अगर आप यूरिन का एनालिसिस करोगे ना किसी के यूरिन का तो उससे तीन चीज़ों का पता लग सकता है आ, तीन नहीं दो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनका पता लग सकता है पहली बात तो यह कि यूरिनरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यानी कि यूरिनरी सिस्टम की हेल्थ और कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा इन दो बातों का अच्छे से पता लग सकता है यूरिनरी यूरिन एनालिसिस यूरिनरी सिस्टम की हेल्थ और कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा अगर नॉर्मल यूरिन में अगर ग्लूकोज आर बी सी डब्ल्यू बी सी प्लेटलेट्स अब माइनो एसिड विटामिन फैटी एसिड्स प्रोटीन्स कीटोन बॉडीज प्रेजेंट हैं मतलब नॉर्मल यूरिन में प्रेजेंट नहीं होंगे अगर किसी के यूरिन में ये प्रेजेंट हैं यानी कि वहाँ पर अब नार्मेलिटी कंडीशन है अब नॉर्मेलिटी सिचुएशन है तो वो सब मैं आपको अभी बताऊँगी अब नॉर्मल यूरन कंडीशन जब तक के लिए ये रीड आप करो ठीक है ये मैंने आपको बता दिया वेरियस कंडीशन कैन अफेक्ट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन और ये मैंने आपको बता दिया ना एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ग्लाइकोसूरिया कीटोन बॉडीज ऑफ कीटोनूरिया इन यूरिन आर इंडिकेटिव और डायबिटीज मिलाइटस ये क्वेश्चन था क्वेश्चन ऑफ ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई ग्लूको देखो कीटोन बॉडीज कीटोनूरिया यूरिन में प्रेजेंट है ग्लाइकोसूरिया ये सब किसका है डायबिटीज मिलाइटस पर क्वेश्चन आया था गाइस ठीक है नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि भाई सिर्फ और सिर्फ किडनी का रोल नहीं है एक्सक्रीशन में दूसरे ऑर्गन्स भी हैं जैसे अगर मैं बात करूँ लंग्स की तो दे रिमूव अ लार्ज अमाउंट ऑफ सीओ टू एटीन लीटर्स पर डे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन आ गया ना नीट में कि कितनी अमाउंट ऑफ तो सीओ टू एक्सक्रीट होती है पर डे सो यूज विल से लाइक एनसीआर टी से बाहर है नहीं एनसीआर में जरूरी नहीं है कि एक चैप्टर की सारी डिटेल्स एक ही चैप्टर में दे रखियो नो इस पॉइंट को जाकर आप लंग्स वाले चैप्टर में ऐड कर सकते हो कि एक दिन में 18 लीटर्स पर डे अमाउंट रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड की लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी सीक्रेट्स बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस लाइक बिलीरुबिन बिलीवर्डन कोलेस्ट्रॉल डिग्रेडेड इज स्टेरॉइड हॉर्मोन्स विटामिंस ड्रग्स ये सभी सब्सटेंसेस मोस्टली पास आउट अलोंग विद द डाइजेस्टिव वेस्ट अब बात करूँ स्वेट और सबेशियस ग्लैंस की सो दैट स्वेट एंड सबेशियस ग्लैंस इन द स्किन कैन एलिमिनेट सर्टन सब्सटांसेस उनकी सिक्रेशन के थ्रू अब ये जो स्वेट ग्लैंस स्वेट प्रोड्यूस करते हैं दैट इज अ वाटरी फ्लूड कंटेनिंग एन ए सी एल स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया लैक्टिक एसिड एंड एक्सेट्रा तो ये भी रोल प्ले कर रहे हैं ना एक्सक्रीशन में थ्रू द बॉडी थ्रू द प्राइमरी फंक्शन सॉरी थ्रू द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट ग्लैंस देखो, सो का प्राइमरी फंक्शन क्या है कि कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं ना, लेकिन ये हमारे रिमूवल ऑफ सम वेस्ट में भीड्रोकार प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन डू यू नो द स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू सिलाईवर टू विच इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना ओके okay, सो so, आई होप दिस होल इज़ क्लियर टू यू गाइज ओके यूरिन के लिए हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं डैट इज कि यूरिन में अप्रोक्सीमेटली नाइन्टी सिक्स परसेंट वाटर प्रेजेंट होता है टू परसेंट यूरिया प्रेजेंट होता है एंड टू परसेंट अदर थिंग्स प्रेजेंट होती है अब उन अदर थिंग्स का मैं यहाँ पर नाम नहीं लिख रही लेकिन आपको बता देती हूँ जैसे यूरिक एसिड क्रेट इन ऑक्सलेट्स ऑफ सोडियम पोटाशियम कैल्शियम ये सभी चीज़ें इन ऑर्गेनिक सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं ठीक है सो अब हम लास्ट पार्ट पे चलते हैं ओके डिसऑर्डर्स ठीक है डिसऑर्डर्स से पहले ना मैं आपको इसका एंजियोटेंसिन वाले का एक और फ्लो चार्ट बना देती हूँ ठीक है आई वॉन्ट कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए तो एन एन जी ओ टेंसन टू का एक फ्लो चार्ट और बना लेते हैं ठीक है सो एंजियोटेंसिंग नोशन टू क्या करता है कंस्ट्रक्शन कर देगा इफरेंट आटीरियल की ओके okay, सो so, हम इसको हटा देते हैं ओके कंस्ट्रक्शन ऑफ इफरेंट आटीरियल उससे क्या होगा कि ब्लड बैकअप ब्लड बैकअप इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ओके okay. फिल्ट्रेट इंक्रीज ब्लड प्रेशर हो जाएगा एंड यहाँ पर मेंटेन्ड दी एफ आर हो जाएगा एक पॉइंट तो ये बताया था मैंने आपको हैश टैग वन हैश टैग टू पॉइंट हम लिखेंगे इट रिलीज एल्डोस्टेरॉल ठीक है रिलीजेज एल्डोस्टेरॉन उसके बाद तो आपको पता ही है एल्डोस्टेरॉन क्या करता है वाटर की एब्जॉर्प्शन करता है ठीक है वाटर की एब्जॉर्प्शन करता है और अगर और अगर इंक्रीज एन ए प्लस एबजॉर्प्शन हुई तो इससे ऑटोमेटिकली इंक्रीज एस टू एब्जॉर्प्शन हो जाती है क्योंकि ये क्या है एक सल्यूट है वाटर अपने आप अट्रैक्ट हो जाता है जहाँ पर ज़्यादा सल्यूट होते हैं है, है ना क्योंकि वाटर मूव फ्रॉम इट्स हायर वाटर पोटेंशियल टू इट्स लोअर वाटर पोटेंशियल क्लियर

कन्वीनियंट आर्ट्री इज फर्म इन टू डाइलाइजिंग यूनिट आफ्टर एडिंग एन एंटीक्वागुलेंट लाइक हैपरिन ठीक है सो ब्लड को डाला जाता है बाई एडिंग एन एंटीक्वागुलेंट हैिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इस यूनिट में क्या होगी कोल्ड सेलोफिन ट्यूब सराउंडेड बाई अ फ्लूइड जिसको हम कहते हैं डायलाइजिंग फ्लूड हैविंग द सेम कम्पोजिशन एज एट ऑफ प्लाज्मा सेम कम्पोजिशन रहेगी सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट नहीं होंगे ताकि डिफ्यूजन हो सके ठीक है सेलोफेन मेम्ब्रेन पोरस होती है इट अलाउज द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसी के लिए हमने प्लाज्मा की सेम कंसंट्रेशन रखी डायलाइजिंग फ्लूड में बस नाइट्रोजेनस वेस्ट नहीं डाले सो दैट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अराउंड uh, वहाँ पे डिफ्यूजन हो सके ठीक है ओके okay. एंटीह को एड करके वापस से किसी वीन के थ्रू ब्लड बॉडी में बैक डाल दिया जाता है दिस मैथड इज था दर्ल्ड ठीक है किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक अल्टीमेट मैथड है फॉर द करेक्शन ऑफ अक्यूट रीनल फेलियर किडनी फेलियर के लिए ठीक है अ फंक्शनिंग ऑफ किडनी ट्रांसप्लांटेशन फ्राम डोनर प्रिफ्लेबली और क्लोज रिलेटिव दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बहुत सारे चेक्स होते हैं क्लोज रिलेटिव का फैमिली मेम्बर्स का ही बेसिकली ये सजेस्ट किया जाता है टू मिनिमाइज द चांसिस ऑफ रिजेक्शन बाय द इम्यूनरी सिस्टम ऑफ द होस्ट की जिसकी बॉडी में हम डाल रहे हैं कि वो रिजेक्शन ना हो जाए मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स एव इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सच अ कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक क्योंकि हम यहाँ पर अच्छे से हम यहाँ चेकअप कर पा रहे हैं डोनर और रिसेप्टर के बीच का क्योंकि हमारे ट्रीनर कैलक्यूलाई तो यहाँ पर कुछ स्टोन या फिर इनसॉल्यूबल माँ से जो क्रिस्टलाइज सॉल्ट का ऑक्जलेज एक्सेट्रा ये हो जाता है किडनी में तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन ग्लोमायरोलो नफ्राइटिस आइटिस गया यानी कि इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमायरोलो इन द किडनी यहीं से चैप्टर ख़त्म होता है लेकिन हमारा अभी खत्म नहीं होगा हमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं यूरिन एनालिसिस से सो so, हम यहाँ पर बना लेंगे जगह लिखने की ठीक है सो यूरिन एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ तो यूरिन एनालिसिस क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई सिर्फ और सिर्फ यूरिन एनालिसिस से भी हम कई सारी बीमारियों का पता लगा सकते हैं ठीक है अगर यूरिन की कंसेंट्रेशन में ग्लूकोज है या फिर कीटोन्स है ये तो आपको पता लग ही गया था ठीक है सो दिस मीन्स डायबिटीज है पेशेंट को अगर प्रोटीन्स प्रेजेंट है यूरिन में प्रोटीन्स यानी कि क्या है किडनी डिजीज है ये नोट करेंगे आप सभी अगर इंक्रीज बायोसॉल्ट की कंसेंट्रेशन है ट मींस जोन डिसेंट को अगर इंक्रीज पल्स की कंसेंट्रेशन है यानी कि इंफेक्शन है जल्दी से नोट करें और भी लिखने हमें ओके नाउ आई एम गोइंग टू रेट ओके नाउ अगर इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ सॉरी गाइस अगर इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ क्रिएटिन है तो क्या है हाइपरथायरॉयडिज्म देख पा रहे हो कितने सारे सिर्फ एक यूरिन एनालिसिस से इतने सारी बीमारियों का हम पता लगा सकते हैं अभी खत्म नहीं हुआ है अभी और कुछ भी है आपके लिए अब हम लिखेंगे अगर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है यूरिन में तो क्या बोलते हैं हम हीमो ठीक है यूरीमिया तो आपको पता ही लग गया होगा यूरिया यूरिमिया भी इंपॉर्टेंट है एक्सेस यूरिया इन द यूरिन एंड लास्ट वन हिमाटूरिया हिमाटूरिया में क्या होता है प्रेजेंस ऑफ ब्लड और ब्लड सेल्स ब्लड एंड यूरिन ठीक है विच इज अ पेनफुल कंडीशन हर एक पेनफुल कंडीशन है जैसे uh, uh, स्टोन्स अगर किडनी स्टोन्स हो जाता है दैट इज ऑल्सो ए वेरी वेरी पेनफुल कंडीशन सो गाइज इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है सो so आपको मैंने बहुत सारा होमवर्क दिया आज की क्लास में और एक और होमवर्क है कि आप समरी रीड करोगे ताकि पूरे चैप्टर का निचोड़ आपको पता लग जाए ठीक है और गाइज दोबारा चैप्टर को रीड करना बिल्कुल मत भूलना एन सी आर टी से ठीक है हम एन सी आर टी रीडिंग करते हैं ना उसके बाद आपको एक बार ज़रूर अपने आप चैप्टर को रीड करना चाहिए ठीक है सो so, इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है फिनिश मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल बाय बाय